अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मेरी तरफ़ से आप सबको ईद मुबारक। उसके बाद आज मैं अपनी आबीती बताऊंगा कि मेरी ईद का दिन कैसे गुजरा है। सुबह सुबह अबू ने उठाया कि चलो ईद की नमाज़ पढ़ लेते हैं, तो वहाँ गए, काफ़ी टाइम पहले पहुँच गए और काफ़ी रश था, लेकिन नमाज की जगह मिल गई तो नमाज़ पढ़ी। उसके बाद सर से ऑपरेशन लग गए कि मेरे शूज़ कहाँ हैं, काफ़ी वो भी रश में से मिले, तो वापस घर आए, नाश्ता वाश्ता किया, फिर अबू ने कहा कि रिश्तेदारों के यहाँ चलते हैं, फिर अबू के साथ गए रिश्तेदारों के यहाँ, दावत शावत भी खाई और मामू के घर भी गए, और उसके बाद आके सो गए, क्योंकि आजकल हम ईद मना रहे हैं। इस बार ईद मनाई हमने क्वेटा में, वैसे हम कोलू में करते थे, क्वेटा में मेरे इतने दोस्त नहीं हैं तो ज़्यादा अक्सर कोलू में है, तो ज़्यादा घूमने शूमने का कोई सीन नहीं बना, और बाकी क्वेटा तो क्वेटा ही है, और नेक्स्ट टाइम अगर कोलू जाएंगे, कोलू में इंशाल्लाह, तो वहाँ पे भी लाजमी ईद व्लॉग बनाएंगे ईद वाले। तो ये थी ईद उल फितर, ईद उल अज़हा इंशाल्लाह लाजमी हम जाएंगे कोलू, और सही तरह उसकी भी बनाएंगे। व्लॉग तो मैं बनाता हूँ लेकिन अपलोड नहीं करता यूट्यूब में, काफ़ी अरसे से कर भी नहीं रहा हूँ, और कभी कुछ अपलोड कर भी लेता हूँ, कुछ नहीं भी कर लेता। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।